हेलो गाइस, देखो आज सुबह उठते से ही बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया। सामने देख रहे हो आप जामुन का पेड़ लगा है, इसको देख देख के मन में रोज खाने का मन करता है। हमारी मैडम तो कहती है कोई को बुलाओ और इसको तोड़वाओ, पर दूसरे के घर में कैसे तोड़ेगी बताओ। पर आज मौसम अच्छा हो रहा है और सोच रहे हैं आज हेयर कट करवा लिया जाए, क्योंकि हम मेरा और मेरे बच्चे के बाल बहुत बड़े हुए हैं। तो बार्बर को हमने फोन किया है, वो आने वाला होगा। चलो मिल, आप देख सकते हो कि भैया आ चुके हैं, इनकी कटिंग हो रही है। जनाब नीचे गर्दन करके बैठे हुए हैं शर्म के मारे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कटिंग की आई है कटिंग भाई इसमें। स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भैया है ना बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। तो मैंने बोला इनको कि इनको फ़ोन करो, इनको बुला लो घर पे, क्योंकि दुकान पे भाई मैं तो नहीं भेज सकती, मुझे तो इतना डर है कोरोना का। और हमारे यहाँ वैसे भी बहुत सारे मरीज निकल रहे हैं कोरोना के, तो डर है कि वहम सा हो गया मन में। तो वही है जनाब, स्माइल कर रहे हैं, क्या बात है, आज तो लुक चेंज होने वाला है। मैं उनको चिढ़ा रही थी तो वो हंस रहे थे। फैन ऑन कर लो, लक्ष्य फैन ऑन कर लो। ये नहाने ही जा रहे थे, ये कह रहे वो नहीं आ रहा। अच्छा इनकी ना भैया टकली कर देना, ठीक है, बिल्कुल फिर से, जिससे लोग इनको गंजा बोले। इधर तो देख लो, ऐसे क्या सोच रहे हो, आज लुक चेंज होने वाला है। काम ले लो, अब जनाब का फाइनल लुक आने वाला है। जनाब की खुशी एकदम, इतने टाइम बाद एकदम ऐसे कटिंग करवा रहे हैं तो होता है थोड़ा खुशी तो होती है। इसके बाद लक्ष्य का नंबर आएगा, वो तैयार बैठा हुआ है, बहुत एक्साइटेड है इतने टाइम बाद कटिंग करवाने के लिए। देखो अभी हमारा हेयर कट हो चुका है, अभी बच्चे का हो रहा है और हम जा रहे हैं नहाने, उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लक्ष्य की कटिंग हो चुकी है स्टार्ट, और इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हो कि कितना खुश हो रहा है वो। लक्ष्य के एक्सप्रेशन देख के आप पता लगा सकते हो, अगर आपने लक्ष्य के पापा को देखा होगा तो सभी लोग मुझसे यही बोलते हैं कि सेम टू सेम पापा पर गया है एक्सप्रेशन, मुंह बनाना, हाथ पैर, लिप्स, सेम टू सेम पापा पर गए हैं, सिर्फ कलर मेरे पे गया है, सब लोग यही बोलते हैं। और लक्ष्य भाई न्यू कटिंग के लिए एक बहुत यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि इसकी सिंपल कटिंग कर देता हूँ, तो मैं बोल रही थी कि नहीं सिंपल नहीं करना है, सिंपल देख देख के तो हम 3 महीने से बोर हो चुके हैं, कुछ स्टाइल वाली कर दो। तो यहाँ इसकी लक्ष्य की हो चुकी है कटिंग, और मैं उसको बोल रही थी कि देखो क्या कहते हैं कैसी कटिंग हुई है, भैया बोल रहे थे आप चेक कर लो, कटिंग तो अच्छी हुई है लेकिन ट्रिपल चार्ज लिए भैया ने घर आने के लिए। आज इनकी भतीजी का रिजल्ट आया है 10th बोर्ड का, MP बोर्ड का, तो आज देखते हैं कैसा रिजल्ट आया। लड़की डरी हुई है लेकिन होशियार है, बहुत होनहार है, कविताएं लिखती है, बहुत स्टेज शेयर कर चुकी है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आया। हर किसी को डर लगता है, उनको भी लगता है, और ये भी देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ने क्या किया। तो देखो आप देख सकते हैं 6 एग्ज़ाम में से 2 नहीं हुए थे इंग्लिश और हिंदी के, तो उनमें पास कर दिया गवर्नमेंट ने, और 4 एग्ज़ाम के रिजल्ट दिए हैं, और उनमें से 3 जो हाईएस्ट है उनको जोड़ा गया है। अभी एग्ज़ाम रिजल्ट लोड नहीं हुआ है, तो पूरा लोड होने पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 3 एग्ज़ाम का रिजल्ट जोड़ा है, और जिसमें कम है सोशल साइंस में वो नहीं जोड़ा गया है, तो 287 out of 300 आए हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जिस प्रकार हम सोच रहे थे। और अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 95.66 है। वैसे एक बात बता दूँ आपको, वैसे इनके घर में सारी लड़कियों के ऐसे ही नंबर आते हैं, सारी होनहारी हैं, इनके भी नंबर ऐसे ही आए थे 86, 87, 10th, 12th सब में, तो सारी होनहारी लड़कियां हैं। देखो आज मैडम
बैगन का भरता बनाएंगी। भरता नहीं, भरवा बैगन, सॉरी, मसालेदार बैगन बनाएंगी हमारी मदद से, क्योंकि इनको ये हम बताएंगे कि मसाला कैसे तैयार होगा। बैगन तो दुनिया बना दी। हाँ, तो इनको क्या करना है, काटना है पहले। कैसे काटना है? मुझे आता है, ठीक है। देखो तो ये बैगन ऐसे काटने हैं चार हिस्सों में, ठीक है, वो तो सबको ही पता है। चार हिस्सों में काटना है और ऐसा काटना है कि ये टूटे ना, थोड़ा छोड़ देना है, पूरा एंड तक नहीं काटना, नहीं तो तेल में जब तलोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा हल्का हल्का काटना। एक बात बोलूं, ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी को पता ही नहीं है, सब जानते हैं। जानते सब हैं, लेकिन बताना हमारा फर्ज है, ठीक है। मेरा फर्ज है, आपको तो खुद नहीं आता। तो मुझे बस सिर्फ ये कैमरा पकड़ना आता है ऐसे। मतलब सोचो इनका ब्लॉग भी किचन से शुरू हो रहा है, बताओ। शुरू इन द सेंस मतलब किचन है उसमें, बिना किचन के इनका कोई वीडियो गाना कुछ भी नहीं होता, इनकी जिंदगी किचन है। हाँ, और किसी की होती है ना। मैं सोच रहा हूँ इनका एक किचन खुलवा दूँ अलग, लेकिन गर्मी बहुत है, आप देख रहे हो। फैन ऑन कर लूँ ना? फैन हमारा इतना आवाज करता है जैसे पता नहीं इसी को सबकी गर्मी शांत करनी है। देखो सुनवा दूंगा आपको, आप देखो इसको, है छोटा सा लेकिन काम ऐसा है ना इसका, अभी आवाज सुनना तुम इसकी, शांत हो जाते हैं हम लोग। देखो बैगन हो गए, थोड़ा रुको, बैगन थोड़ा इनको सुनने दो, आवाज आ रही है ना पंखे की, देखो कितना कितना जोर से करता है, छोटा सा है पर आवाज इतनी करता है। अच्छा देखो अब मैडम ना इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा तेल डाले इसमें ना, पानी डाल दो, उसमें तलने हैं बैगन, पानी डाले। अच्छा बताओ, देखो पानी ले भी नहीं है, ये देखो क्या है, मतलब यार तलना है इनको, बैगनों को तलना है। कितना ऑयल लेना है? ऑयल इतना लेना है कि वो अच्छे से तल जाए, ठीक है। तो इनको तल के मिलते हैं थोड़ा, क्योंकि देखो अब ये बैगन तल चुके हैं, आप देख सकते हो, और इन्होंने परेशान बहुत किया इन बैगन ने। अगर आपको सेकने हैं तो उससे पहले पानी मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इनमें, ये इतना तेज तेज इसमें से निकला कि। और अब क्या करेंगे, ये वाला तेल हम सब्जी के मसाले के लिए यूज करेंगे, ज्यादा इसमें से थोड़ा निकाल लेंगे, ये थोड़ा हमारा ज्यादा तेल है तो इसमें थोड़ा सा निकाल लेंगे, उतना ही बचेंगे। अब इसको रख देंगे और हम मैडम करेंगी मसाला तैयार। अभी इशू ये भी है हमारे साथ, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है और हम लाइट का इंतजार कर रहे हैं ताकि मिक्सी में मसाले को तैयार कर सके। देखते हैं कब तक लाइट आती है, इंतजार करते हैं। लाइट आई नहीं है तो हम ट्राई करते हैं इन्वर्टर से, शायद हो जाए, तो लेट्स होप। ये सूखे मसाले हैं जिसमें आप देख सकते हो, ये खड़ा धनिया, ये चार लाल मिर्ची, सौंफ, मेथी, जीरा। अभी मैं इनको भूनूंगा। हाय गाइस, लाइट आई नहीं, उससे पहले हमने रोटियां बना ली और सब्जी भी बना ली है किसी तरीके से, बिना मिक्सी के कुछ देसी तरीके से। और गाइस कुछ ब्लॉक सब्जी बनाने का, खाने बनाने का बना नहीं पाए, कारण उसका यह था कि लड़का भी थोड़ा भूख से तड़प रहा था क्योंकि 2:30 बज चुका था। हमने ये 1 बजे शुरू किया था बनाना, पर 1.25 घंटे हमने खूब वेट किया। जैसे ही हमारी सब्जी तैयार हो गई, फिर हमने जुगाड़ वान हुई बिजली और आ गई। अब क्या करें इस बिजली का, पर फिर भी ठीक है चलो। लेकिन सब्जी हमने देसी तरीके से तैयार की, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, यमी यमी लग रही है, टेस्ट। और हमने, मैंने और बच्चे ने खाना खा लिया, अब मैडम फ्री होके खाना खा रही है, इनको खाना खाने दो। और मैडम को थोड़ा आज हम चेंज भी लग रहे हैं, ये देखो कटिंग हुई है ना इसलिए, अब ये देख लो तो हमें खिलाए हैं। हम कहा को गए, अच्छी बनी है आज, कैसी बनाई मैंने। लेकिन इनको बनाने के लिए ना एक काम करना चाहिए, मेथी हटा दो क्योंकि उससे थोड़ा कड़वापन आ जाता है। थोड़ी सी डाल दो यार, मैंने बहुत थोड़ी डाली। अच्छा बनाई है, मतलब मसाला वो मैंने बनाया ना, मसाला तो मैंने बनाया, चौक बॉक बनने लगा है, पोल खुल गई, पोल नहीं खुली है, वो मसाला मैंने बनाया, चौंका इन्होंने था। गर्मी मेरे से किचन में सहन ही नहीं होती, धन्य है यार इनके लिए, कैसे रुकती है इस गर्मी में। ठीक,
फिर मिलते हैं आपको शाम की शाम को क्या करने वाले हैं हम लोग। बाय। आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ पानी पूरी रेसिपी, जो मेरी फेवरेट है और सबकी फेवरेट होती है। तो मैं लेके आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपकी पूरी एकदम कुरकुरी बने, एकदम फूली हुई बने। क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने कम से कम 20 बार पानी पूरी बनाई है और बहुत ही मस्त बनी है। पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मैदा और थोड़ा सा रवा लेना है। मैदा थोड़ा ज़्यादा लेना है और रवा थोड़ा कम लेना है, सूजी जिसको सूजी बोलते हैं, तो सूजी लेना है। उसके बाद बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर आप देख सकते हो मैंने इतना लिया है, आप इसे थोड़ा कम भी ले सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, फिर मैंने सोचा और नमक डालूं तो मैंने और नमक डाल लिया। अगर आप चाहो तो नमक डाल सकते हो, नहीं आप स्किप कर सकते हो। इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है सबको। सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि आपको आटा कैसे लगाना है, जिससे आपकी पूरी एकदम फूली हुई एकदम कुरकुरी बने। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला है सरसों का, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो। मैंने सरसों का तेल डाला है यहाँ पे, तो मेरा पीला आटा हो जाएगा, अगर आप रिफाइंड डालोगे तो सफ़ेद आटा रहेगा। उसके बाद आपको गर्म पानी से लगाना है इस आटे को, क्योंकि उसमें सूजी रहता है ना, तो सूजी क्या होता है कि फूलता है थोड़ा, इसलिए इसको गर्म पानी से आपको आटा लगाना है। मेरा आटा बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको इसको गीले कपड़े से कॉटन के से ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए तो रखना ही रखना है। तब तक आप इसको रखोगे तब तक आप आलू उबालने के लिए रख दोगे और पानी बना लोगे। तो आलू उबालने के लिए मैं आलू छील के उबालती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है गरम गरम हाथ जल जाता है। तो मैं हमेशा जब भी आलू उबालती हूँ तो छील के उबालती हूँ। उसको मैं 2 पीस कर लूँगी जिससे जल्दी आलू उबल जाएँ। इसमें मैं एक चीज़ डालूंगी हल्दी। हल्दी से क्या है कि आलूओं का कलर चेंज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि नमक तो अपन बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने हल्दी और आलू, आलू में हल्दी डाल के इसको उबालने रख दी। उसके बाद हम बनाएंगे पानी, और मैं बना रही हूँ उस तरीके से, अगर आप पानी बनाओगे पानी पूरी का तो बहुत ही टेस्टी पानी बनेगा, एकदम बहुत गजब। तो आप अपने अकॉर्डिंग तीखा जितना रखना चाहते हो उतना आप हरी मिर्ची ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप सूखा पुदीना भी ले सकते हो, हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए। और यहाँ खट्टा करने के लिए मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है, अगर आप जितना खट्टा रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। मुझे खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने काला नमक डाल लिया है, काली मिर्ची डालनी है, काली मिर्ची ज़्यादा मत डालिएगा, पेट में जलन मतलब होती है तो कम डालिएगा। उसमें मैंने सफ़ेद नमक डाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, क्योंकि हम बाद में जीरा पाउडर डालेंगे इसलिए हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद हम इसको एकदम पेस्ट बना लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट बन चुका है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आपको जितना पानी बनाना है उसके अकॉर्डिंग बर्तन ले लीजिएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया है, और जो इसमें चिपका हुआ है उसमें पानी डाल के भी उसको भी हम निकाल लेंगे। और इसमें हमें ठंडा पानी डालना है, क्योंकि ठंडा पानी अच्छा लगता है। अगर आपको और ठंडा चाहिए तो आप आइस क्यूब्स डाल लीजिए, मैंने आइस क्यूब डाले हैं क्योंकि मुझे ठंडा पसंद है, तो मैंने डाल लिया है आइस क्यूब्स, जिससे क्या है पानी और ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको और खट्टा करने के लिए नींबू डालेंगे, इसका टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो मैंने एक नींबू लिया है और मैं एक नींबू डाल लूँगी इसमें, और उसके बाद मैं इसमें जीरा पाउडर डाल दूँगी, जीरा को मैंने भून लिया, धनिया पत्ती डाल दूँगी। और अगर आप इसको और ज़्यादा ठंडा चाहते हो तो फ्रिज में रख दीजिए। पानी आपका बन के तैयार हो चुका है, एकदम इसको चला लीजिए। हमारे आटे को हो चुकी हैं 20 मिनट और हम इस आटे को निकाल लेंगे। जो हमने कॉटन के कपड़े से ढक के रखा था, इसको थोड़ा अच्छे से और चलाएंगे चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा आटा एकदम अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आपको यह सबसे पहले क्या करना है कि गरम तेल करना है। गरम तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, इतना तेल लेना है जिससे कि आपकी पानी पूरी आसानी से उसमें डूब सकें। और पहले तो आपको तेल एकदम हाई फ्लेम पर गर्म करना है, उसके बाद आपको फ्लेम एकदम मीडियम कर देना है। और आपको आटे की जो लोइयाँ हैं, हमने जो आटा बनाया है उसकी लोइयाँ बड़ी बड़ी बेल लेनी है, और बड़ी बड़ी बेलने के बाद आपको इस ढक्कन से काट लेनी है, जिससे क्या आपकी पानी पूरी एक एक सेम साइज की बनेगी सारी पानी पूरी। तो मैं इसे काट लूँगी, और थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, क्योंकि काट लेने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी बेलन से ये बेल लेनी है। ऐसे ही आपको सारी पूड़ियाँ से बेल लेनी है, उसके बाद आपको सेकनी है, फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए।
आप देख सकते हो हमारी पानी पूरी फूल गई है क्योंकि मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और ऐसे ही आपको सारी पानी पूरी सेक लेनी है। फिर मैंने और पानी पूरी बनाई है, इनको भी मैं सेक लूँगी और ऐसे ही आपको सारी पानी पूरी बना लेनी है। फ्लेम का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि पानी पूरी आपकी फूलती है, कुरकुरी बनती है, उसमें आपकी आँच होती है ना जो, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आपको ऐसे ही सारी पानी पूरी बना लेनी है और आप देख सकते हो मेरी, और इससे क्या होगा जो हमारा पीला कलर था वो भी चेंज हो जाएगा। जब आप सेकोगे ना पानी पूरी तो वो चेंज हो जाता है कलर। तो मेरा भी आप देख, हमारी पानी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ पूड़ियाँ फूली नहीं है, तो इनको हम पापड़ी में लेंगे या फिर आलू में मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम आवाज़ आ रही है, देख एकदम, जैसे कि ये थोड़ी तेल की वजह से होती है, कभी कभी तेल ज़्यादा गर्म या कम गर्म रहता है तो कुछ पूड़ियाँ नहीं फूल पाती हैं। तो आपको ऐसे बना लेनी है जैसे मैंने बनाई है, और आपको ऐसे पानी मिक्स कर लेना है और आलू ऐसे आपको मिक्स कर लेना है, और आपको मजे से खाना है पानी पूरी। तो गाइस जैसा मैंने बोला था शाम को कुछ है नया, तो देखो मैडम ने तैयार की है पानी पूरी और ये हमारा भाई जो पानी पूरी के लिए बिल्कुल बेताब है, जैसे खाने के लिए बेताब था, इसकी वजह से हम इंतजार नहीं कर पाए थे लाइट का। अब ये भाई साहब पानी पूरी के लिए तैयार है। हाँ तो बुलाइए सर को, सर बताएंगे कैसा है टेस्ट, बताए सर को खिलाइए। देखो सर की निगाहें देख रहे हो आप, टूट पड़े हैं। बिना नमकीन के नहीं खाएगा, नमकीन को डालो भाई, बिना नमकीन के थोड़ी खाएगा। देखो ऐसे आपको चला लेना है, मिक्स कर लेना है पानी। अच्छा चला के पानी पीते हैं? यस। हम कहते थे, हम सोचते थे रोक के पानी पीते हैं। ये बताना लक्ष्य कैसी, तो आप लोग भी खाइए बनाइए, लॉकडाउन का मजा पाइए। मोबाइल गिर गया था क्योंकि मेरा भी मन बहुत हो रहा है खाने का, तो अब मैं भी खाना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कैसा है टेस्ट। शुरू करते हैं, तो ये हमने अभी पानी पूरी को फोड़ा, उसमें डाला प्याज नमकीन, ये तुम देख रहे हो अपना आइटम कैसे दिखाना पड़ता है किचन मास्टर को। थैंक यू बोलो, मुझे थैंक यू बोलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत मस्त बनी है पापा, मुझे बोलो पापा को नहीं बनाई तो मैंने, है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त। चलो बाय, रात को मिलते हैं खाने दो, बाय बाय। आप भी बनाइए खाइए, लेकिन बाहर मत जाइए। और ये देखो मैडम सो रही है, तो भाई साहब के चेहरे पे खुशी देखो आप, आम खा रहे हैं भाई साहब। और कैसे लगते हैं लच्छे आम आपको? बहुत मस्त, अच्छे लगते हैं। आज तुम्हारा क्या हुआ शाम को, हम पानी पूरी बना रहे थे तब बंदर मेरे वहाँ आ गया था, वो दो मैं तेरे पास आ गया था बिल्कुल, हाँ, रेलिंग पे तक गया था, मैं किसी से बात कर रहा था, फिर उसने बोला, मुझे पता ही नहीं चला, एकदम यहाँ आ गया था। अच्छा, फिर मैंने देखा उसने बोला बे बंदर, फिर मैं चिल्लाया। डर कितना लगा था तुम्हें, सही बताना। इतना क्या लगा, मैंने उसका पूरा फेस देख लिया एकदम अनुमान दी देगा बस यही, उसने वो ऐसे वो नहीं मारा बंदा। अच्छा, आज तो तुम्हारा काम हो जाना था, नहीं।